हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको इडली और डोसा के लिए पाउडर चटनी बनाना बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए अब देख लीजिए। इडली पोड़ी के लिए मैंने 1/4 कप चना डाल लिया है, 1/4 कप उड़द का वाइट वाला डाल लिया है, 4-5 मैंने लाल मिर्ची ली है, 5-6 कली मैंने लहसुन की ली है, 1/4 चम्मच हींग लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इमली का लिया है। मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी लिया है। ये दोनों दाल, लाल मिर्ची और लहसुन को हमको ड्राई रोस्ट करना है। तवा गरम करके एकदम स्लो फ्लेम में हमको इनको अच्छा पकाना है। देखिए, मैंने तवा गरम करके रख लिया है। अभी मैं चना दाल को एकदम स्लो फ्लेम में अच्छा कड़क होने तक, इसको लाल होने तक हम इसको भुनेंगे। इसका कच्चापन जाना चाहिए। ये देखिए, हमारे चना का दाल भुन रही है, जरा गैस हो गई है, कड़क भी हो गई है। अभी हम ये दाल निकाल लेंगे और उड़द की दाल उसमें डाल के रोस्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने उड़द का दाल भी डाल दिया है। अभी इसको भी हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे, स्लो फ्लेम में अच्छा कड़क होने तक, लाल होने तक भुनेंगे इसको। ये देखिए, उड़द का दाल भी हमारे लाल हो गई है, अच्छा पक गई है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और लाल मिर्ची फ्राई करेंगे। लाल मिर्ची को भी रोस्ट कर लेंगे, स्लो फ्लेम में करना है सर। लहसुन भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे हम, और कड़ी पत्ता भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कड़ी पत्ता भी हमारा ड्राई हो गया है, इसको अच्छा ड्राई कर लेंगे। इसका पानी नहीं रहना चाहिए। और अभी हम स्टोव बंद कर देंगे और इसमें हींग डाल देंगे। तवा का जितना गर्म है उतने में हींग का भी भुनना हो जाएगा। मैंने स्टोव बंद कर दिया और हींग को भी इसमें डाल दिया। और अभी हम इसे निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने दें और फिर पीसेंगे। ये देखिए, हमारा सब मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है और मैंने इमली का पीस भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी हम सूखा मिक्सर का जार में ये सब अच्छे से पीस लेंगे और नमक भी थोड़ा टेस्ट के अनुसार ऐड कर लेंगे। ये देखिए, इडली की पोड़ी बनके तैयार हो गया है, पिस गया है। और ये बहुत बारीक नहीं रहता है, रवा जैसा रहता है ये, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए और बहुत जल्दी भी बन जाता है। आप इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में 1 महीने तक भी रख के यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। आप इसको नारियल का तेल के साथ में, नहीं तो घी गर्म करके इंजॉय कर सकते हैं इडली या डोसा के साथ में। बहुत ईजी है, जल्दी बन जाता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इडली पोड़ी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।